नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला, तो थोड़ी देर में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत पर फैसला आने वाला है। आनंद आध्या और संदीप की न्यायिक हिरासत में थोड़ी देर में फैसला, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर प्रयागराज से, तो आनंद आध्या और संदीप की न्यायिक हिरासत में अब से कुछ ही देर में फैसला आने की उम्मीद। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में तीनों आरोपियों पर न्यायिक हिरासत पर फैसला आपसे कुछ ही देर में आने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, डिटेल्स लेने के लिए रुक करेंगे प्रयागराज से। संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, आपसे जानना चाहेंगे तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, क्या कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद? जी बिल्कुल, आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दें कि अभी अभी फैसला आ गया है। तीनों की जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड है यानी न्यायिक हिरासत है, वो बढ़ा दी गई है। 2 हफ्ते यानी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत तीनों की बढ़ा दी गई है। तीनों आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, तीनों की पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दोपहर के वक्त लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अभी अभी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि तीनों को 12 नवंबर तक के लिए फिर से न्यायिक हिरासत में जेल में रखे जाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण अपडेट है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जो गिरफ्तार तीनों आरोपी थे, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। तीनों को 2 हफ्ते तक जेल में रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। तीनों 12 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे और ये आदेश प्रयागराज की CJM कोर्ट से आया है। एक और अहम अपडेट आपको दे दें कि आनंद गिरी जो कि मुख्य आरोपी है, उन्होंने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी उस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। इस अर्जी पर अब दीपावली के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। दीपावली के बाद 8 नवंबर से जो नया हफ्ता शुरू होगा, उस हफ्ते में आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तीनों आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और आज जो जांच एजेंसी CBI है, उसने अपनी जांच की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सील बंद लिफाफे में, गोपनीय रिपोर्ट, वो CJM कोर्ट में पेश की है और उसी आधार पर कोर्ट ने फैसला लिया है, तीनों की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। जी बिल्कुल मोहम्मद मोइन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी यहाँ पर। ये जो कोर्ट है, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी, अब जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे तीनों आरोपी। और राहत नहीं मिली है यहाँ पर आनंद तिवारी को भी, उन्होंने भी जो बेल के लिए अर्जी लगाई थी उस पर अब सुनवाई दीपावली के बाद होगी, यानी तीनों आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो कोर्ट ने बढ़ाई है और CBI ने जो अपनी जांच रिपोर्ट है वो भी बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कर दी है। आपसे ये जानना चाहेंगे आज क्या दलीलें रखी गई कोर्ट में? देखिए, जो आरोपी थे उनकी तरफ से उनके वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत देना चाहिए क्योंकि सीधे तौर पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। महंत जी ने अपने सुसाइड नोट में क्यों उनके खिलाफ बातें लिखे, ये बात उनकी समझ से परे है। CBI ने अभी तक, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया अब तक जो जांच की है, उसमें भी उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई एविडेंस CBI कलेक्ट नहीं कर पाई है। इस आधार पर आरोपियों की तरफ से दलील दी गई, जबकि जो अभियोजन पक्ष था, जो CBI से जुड़े हुए वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जांच चल रही है और जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है तब तक इन आरोपियों को जेल से छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होगा। ये लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जो इस केस में गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जेल में ही रहने दिया जाए, इन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए। तो जो CJM थे जिनकी कोर्ट में इस सुनवाई हुई है, प्रयागराज की CJM कोर्ट में, वो अभियोजन पक्ष की दलील से ज्यादा सहमत हुए और उन्होंने फिलहाल इन लोगों को छोड़े जाने पर कोई फैसला नहीं लिया, उस वो मांग रिजेक्ट कर दिया मोहम्मद मोइन, और तीनों आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी रिमांड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी मोहम्मद मोइन, प्रयागराज से बड़ी अपडेट हमें दे रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में यहां पर न्यायिक हिरासत एक बार फिर से तीनों आरोपियों की बढ़ गई है। 12 नवंबर तक तीनों आरोपी अब न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
एक और बड़ी खबर बदायूं से, रुक करेंगे बड़ी खबर का। पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपहरण और गैंगरेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। तो बिलसी विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए दर्ज हुआ था मुकदमा। योगेंद्र सागर का बेटा फिलहाल बिसौली सीट से भाजपा विधायक है। मामले में दो आरोपियों को पहले ही हो चुकी है उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर बदायूं से, पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अपहरण और गैंगरेप के मामले में एमपी एमएलए अदालत ने फैसला सुनाया। बिलसी विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए दर्ज हुआ था मुकदमा। योगेंद्र सागर का बेटा फिलहाल बिसौली सीट से भाजपा विधायक है। मामले में दो आरोपियों को पहले ही हो चुकी है उम्र कैद की सजा। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और दोबारा सत्ता तक पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टियों को झटके पे झटके दे रही। शुक्रवार को कांग्रेस के कई दिग्गजों को पार्टी में शामिल कराने के बाद लखनऊ में एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा और भाजपा के विधायकों को तोड़कर अपना कुनबा और मजबूत करने का काम किया। बसपा से 6 विधायक शनिवार को सपा में शामिल हुए, जिसमें श्रावस्ती जिले की भिनगा से विधायक असलम रायनी, प्रयागराज के प्रतापपुर से विधायक मुज्तबा सिद्दीकी, प्रयागराज के हंडिया विधायक हाकिम लाल बिंद, सीतापुर के सिधौली से विधायक हरगोविंद भार्गव, हापुड़ के ढोलाना विधायक असलम अली चौधरी और जौनपुर के बादशाहपुर की विधायक सुषमा पटेल ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा सीतापुर की सदर सीट से भाजपा विधायक राकेश राठौर भी सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज भी कसा और कहा कि भाजपा परिवार भागता परिवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। तो दूसरी पार्टियों में सेंध लगाकर अपना कुनबा बढ़ा रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों के नुकसान का अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया। वहीं सीतापुर से भाजपा विधायक राकेश राठौर, जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। सीतापुर से भाजपा के विधायक राकेश राठौर ने भी आज सपा का दामन थामा है, सीधे उनसे बात करेंगे। राकेश जी, भाजपा अभी तक ये कह रही थी कि सपा में जो लोग जा रहे हैं वो बसपा के, कांग्रेस के, लेकिन भाजपा का कोई नहीं जा रहा, आज आप भी आ गए। नहीं, इस बात पे मैं नहीं कह सकता, हमको तो जाना था तो मैं गया। कोई खास वजह रही होगी भाजपा के साथ छोड़ने की? सब वजह हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन किया गया है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई है। एक छोटा सा भी अधिकारी है जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना नहीं चाहता। हम लोग चुन के क्यों आए थे? लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। और ये एक रणनीति के तहत उन्होंने 20 से जनप्रतिनिधियों को हटा दिया, अब अधिकारी सीधे लूट रहा। लूट का रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, बस यही तमाम तरीके की स्थिति। कल अमित शाह भी यहाँ पर आए हुए थे, तो जो बैठ के उसमें चर्चा ये है कि करीब 150 विधायकों के सीट के जो है उनके टिकट भी काटने की बात, क्या आपको भी ऐसा लग रहा था? ये खुद फेल है ना, अगर आप अपने आधे विधायकों के टिकट काट रहे हो तो इसके मतलब आपने ठीक काम नहीं किया। मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष है, किसी से आपने चर्चा की है कभी? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विधायकों के कहने के अनुसार काम करते कि अधिकारियों के हिसाब से काम कर रहे हैं? अधिकारी सीधे सीधे तार जोड़े हैं। राकेश जी को जिन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती, उन्होंने ये कहा कि जो लोक संकल्प पत्र के वादे थे उसमें से अगर उनके क्षेत्र की बात करें तो कोई पूरा नहीं किया गया है। सड़कों पर गड्ढे, स्वच्छ भारत मिशन का मजाक है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, इसी वजह से क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही इसी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। कैमरा से प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी लखनऊ। वहीं बसपा छोड़ सपा में शामिल होने वाले असलम रायनी और हाकिम लाल बिंद से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बातचीत की। बाकी लोगों की बात करें, एक एक करके सब छोड़ रहे हैं, बसपा के हालात को लेकर क्या कहेंगे आगे चुनाव?
ये तो मैंने एक साल पहले भी कहा था कि उस समय हमारी संख्या 6 और 7 की थी, लेकिन आप देखिए कि सब लोगों को ये नहीं, ये विधायक नहीं तय कर रहे हैं, ये उनके जनपद के क्षेत्रों के नेता नहीं तय कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के कार्यकर्ता ये तय कर रहे हैं, वहाँ की जनता ये बता रही है। ये जनता की आवाज़ है कि अखिलेश को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। दलित जो है, जो BSP में था, हम लोग BSP के हैं, उसकी वजह से दलित भी आज हम लोगों के समाजवादी पार्टी के साथ में है। हाकिम लाल बिन जी भी यहाँ पर हैं। हाकिम जी, सपा के साथ जुड़ रहे हैं आज आप लोग भी। देखिए, समाजवादी पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जहाँ सभी जाति और धर्म और मजहब के लोगों का मान सम्मान है, और समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है, और माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो सबका सम्मान इन्होंने बराबर रखने का काम किया है, और हम लोगों को भी इन्होंने इतना सम्मान दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सम्मान देने का काम किया है। हम लोगों की पूरी समाजवादी पार्टी में आस्था है, और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे, जितना हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार बने। जितने विधायक, मौजूदा विधायक भी हैं आप लोग, तो जितने लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सबको आगे भी टिकट मिलेगा चुनाव में? देखिए, हम टिकट की बात तो नहीं कह सकते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, ऐसी बात अभी हुई नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2022 को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर बोला, सपा पर हमला। तो स्वतंत्र देव सिंह ट्वीट कर लिखते हैं, यदि आप हत्या, लूटपाट, डकैती और अपहरण करने में माहिर हैं तो आप समाजवादी पार्टी से अपना टिकट पक्का मानिए। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भाजपा का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह दोपहर 12 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो बन्नू स्कूल के ग्राउंड पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। तो इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड की घसियारी योजना की शुरुआत की, और इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की भी बचत होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनानी है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे, और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई। तो योजना की शुरुआत करने के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर बरसे अमित शाह। अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाता है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई, कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना। और आइए इसी बीच बड़ी खबर, सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। आज यहां पर मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर और जिस जगह पर सालों तक गायत्री मंत्र की उपासना, इसका प्रचार प्रसार और गायत्री मंत्र से जागृत हुई सदशक्तियों का संग्रह कर पूरे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के विश्व भर में प्रचार प्रसार का जहां अधिष्ठान चला, उस जगह पर गायत्री द्वीप शांति कुंज में
इसके स्वर्ण जयंती वर्ष में मुझे आप सबने निमंत्रित किया है और आपके साथ बात करने का मौका दिया है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि वर्ष गायत्री तीर्थ शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष तो है ही, परंतु साथ में देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी है। हम उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।